जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुरुग जल, ये एक ऐसा जल है जो सही में है नहीं, लेकिन जल के समान दिखता है, उसे मुरुग जल कहा जाता है। और कहने का कारण यह है कि मुरुग यानी कि हिरन जो है उसको गर्मी में दूर दूर एक पानी जैसा दिखाई देता है, जो हमको भी दिखाई देता है, तो वो उसके पीछे भागता है पानी के पीछे, लेकिन जितना भागता है उतना पानी आगे आगे चला जाता है, क्योंकि पानी है ही नहीं, आखिर में वो मर जाता है। शैतान भी इंसान को ऐसी बातें दिखाता है जो है नहीं, और जो है नहीं और दिखता है उससे कहा जाता है भ्रम। तो शैतान इंसान को ऐसे कौन से भ्रम में डालता है, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आराम का जो राजा था उसके सेनापति का नाम था नामान। बहुत सामर्थी था, उसने कई प्रजा के ऊपर विजय पाया हुआ था, साथ में ही उसने इज़राइल के ऊपर भी विजय पाया हुआ था। और इज़राइल में से कई लोगों को वो गुलाम बनाकर लेकर गया था, उसमें एक छोटी लड़की को भी गुलाम बनाकर नामान लेकर गया था। और उस छोटी लड़की ने बताया कि अगर मेरा स्वामी वो एलिशा भविष्यवक्ता के पास जाए तो फिर उसका कोड चला जाएगा, उसे चंगाई मिल जाएगी। ये सुनकर नामान एलिशा के पास आए और एलिशा ने अपने नौकर गेसी को बताया कि गेसी तू बाहर जाकर उस नामान को इतना बोल दे कि वो जाए और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए, और 7 बार डुबकी लगाने के बाद उसका कोड चला जाएगा। नामान वहां से चले गए, उन्होंने 7 बार डुबकी लगाई यरदन नदी में और उनका कोड चला गया। उसके बाद वो वापस एलिशा के पास आए और एलिशा को बोला कि एलिशा मैं तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया, सोना है, चांदी है, कपड़े है, बोले ले ले। लेकिन एलिशा ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उसको खुशी खुशी वहां से विदा कर दिया। लेकिन जो घेसी थे, जो एलिशा के नौकर थे, उनके अंदर लालच आ गया, बोले मेरा स्वामी सोना चांदी कपड़े कुछ भी नहीं ले रहा, मैं तो परमेश्वर के जीवन की शपथ मैं तो लूंगा। और वो धीरे से जिस दिशा में नामान गए थे वो भागने लगा। जब नामान ने देखा को पीछे भागते भागते आ रहा है, तो उसने अपने रथ को रोक लिया और देखा तो गेजी एलिशा का नौकर। अरे बोले क्या हुआ, रथ से नीचे उतर कर नामान मिलने के लिए गए। तो गेसी ने बताया कि आपके जाने के बाद कुछ मेहमान लोग आए और हमारे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए मैं आपके पास वो गिफ्ट लेने के लिए आया। अरे बोले मैं तो देने के लिए आया था, ले जा जो चाहिए वो, और कुछ चांदी कुछ कपड़े। गेसी जो है वो लेकर आ गए। गेसी आकर वो सबको छुपा कर एलिशा के सामने ऐसे खड़े हो गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एलिशा ने पूछा कि गेसी तू कहाँ था, कहाँ गया था। गेसी बोलता मैं कहीं पर नहीं गया, मैं तो यहीं पर था। और एलिशा ने बताया कि तू जो भाग कर नामान के पीछे गया और नामान रस से उतर कर तुझे मिलने के लिए आया, क्या मेरा दिल वहां पर नहीं था, क्या मेरी आत्मा वहां पर नहीं थी, मैंने तुझे देखा है, क्या ये सोना चांदी भेड़ बकरिया कपड़े ऐसे कुछ लेने का वक्त है। वो तो उसके पीछे भागा, इसलिए वो नामान का कोड आज से तुझे और तेरी संतानों को हमेशा के लिए लगा रहे। और तुरंत वो बर्फ के समान कोड़ी होकर वहां से निकल गया। अब सवाल है, क्या गेजी सोना चांदी और कपड़े के पीछे भागा था,
हाँ उसको तो वही दिखाई दिया था कि सोना है, चांदी है, कपड़ा है, लेकिन सही में वो जिसके पीछे भागा और उसने जो पाया वो क्या था? उसको तो कोड मिला। इसका मतलब ये हुआ कि नामान सोना चांदी कपड़े के पीछे नहीं भागा था, लेकिन कोड के पीछे भागा था। उसको दिखाई देता था सोना चांदी कपड़े, लेकिन था सही में वो कोर। गेसी को इतना सोचना चाहिए था कि जो सोना, जो चांदी, जो कपड़े, जो पैसे, उस नामान का कोर दूर नहीं कर सकता, और उसको एलिशा की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब एलिशा वो सोना चांदी कपड़ों से भी बहुमूल्य है। इसको जरूरत थी सोना चांदी और कपड़े से भी जो ज्यादा बहुमूल्य है, उस गेसी के पीछे भागता रहेगा। लेकिन गेसी सोना चांदी के पीछे भागा, लेकिन सही में वो सोना चांदी नहीं था, वो तो कोड था। सोना चांदी और कपड़ों से उत्तम वस्तुएं वो तो एलिशा के पास थी। शैतान हवा को भी यही कहता है कि फल खा लो, नहीं मरोगे। मगर शैतान जीवन दिखाता है, मौत नहीं। वो तो बोलता है मौत नहीं है, जीवन है, खा लो इसको। वो तो बोलता है आंखें खुल जाएगी, आप अंधे नहीं रहोगे। आंखें दिखाता है, ज्योति दिखाता है। वो तो कहता है इसको खाने से ज्ञान मिलेगा, आप मूर्ख नहीं रहोगे। लेकिन हुआ क्या? हवा ने देखा इस फल से मुझे ज्ञान मिल जाएगा, इस फल से मेरी आंखों में ज्योति आ जाएगी, इस फल के कारण मैं हमेशा जीवित रहूंगी। और उसने उस फल को लिया और खाया। पर हुआ क्या? उसे मिला क्या? जीवन नहीं मिला, मौत मिली। आंखों की ज्योति नहीं मिली, अंधे हो गए। ज्ञान नहीं मिला, पर मूर्ख हो गए। इसका मतलब हवा को जो दिखता है वो गलत था, वो नहीं मिला। मौत था और उसको जीवन दिखता था, अंधकार था उसको ज्योति दिखाई देती थी, मूर्खता थी और उसे ज्ञान दिखाई देता था। जो है नहीं वो दिखना, उसे कहते हैं ब्रह्म, और ये ब्रह्म में थी। गेसी अपने हिसाब से तो सोना चांदी और कपड़ों के पीछे भागा, पर सही में वो सोना चांदी कपड़ों के पीछे नहीं भाग रहा, वो तो कोड लेने के लिए कोड के पीछे भाग रहा था। हवा जीवन, ज्ञान और ज्योति के पीछे भागी, पर सही में वो मौत, मूर्खता और अंधकार के पीछे भाग रही थी। क्या आप जानते हो आज आप किसके पीछे भाग रहे हो? आप अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि आज आप किसके पीछे भाग रहे हो। आपको जो दिखाई देता है क्या वो सही है, या कहीं आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? जो नहीं दिखना चाहिए वो तो नहीं दिखाई देता। परमेश्वर के वचन में बने रहो, उसी में जीवन है, उसी में ज्ञान है, उसी में ज्योति है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमेन।